नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं श्रेयस पटेल और आप देख रहे हैं ट्रू एग्रीकल्चर। ये आज हम देख रहे हैं जो किसान ने चारा मार की दवाई जो लगाई थी वो पौधे को इफेक्ट कर गई है, और ये पौधे का जो पत्ता है उसका पूरा क्लोरोपिल खींच लिया है और पत्ता छोटा निकल रहा है अभी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और ये पौधे को कैसे क्योर कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें पहले करना है जो सिजेंटा का जो इसाबियन करके आता है वो 50 ml लेना है, 13-40-13। वो 100 ml 100 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 50 ग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो लिक्विड वाला हो तो 50 ml और पाउडर वाला हो तो 30 ग्राम। वो सबको मिक्स करके स्प्रे कर दो। ये एक पंप का डोज है, और ये स्प्रे करने के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये जो पत्ता वाइट निकल रहा है और अभी जो पत्ता आ रहा है वो छोटा आएगा, तो अभी ये 3 पत्ते तक ऐसा ही रहेगा। फिर बाद में जो क्योर होगा और पत्ता जो आएगा वो बिल्कुल फ्रेश आएगा। तो उसके लिए पहले आप एक स्प्रे कर दो, और 4 दिन बाद एक ड्रिंचिंग करना है, वो हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ये वीडियो है वो आपके मित्रों को भी काम लगे और ये आपको भी काम लगे। किसी को ऐसा वीडिसाइड का असर हो गया हो तो ये ट्रीटमेंट करो, तुरंत क्योर हो जाएगा 8 से 10 दिन में। और ये किसान ने गलती ये कर दी थी, वीडिसाइड लगाने के बाद शाम को ही पानी चालू कर दिया था, तो जो ज़मीन में वीडिसाइड पड़ा हुआ था तो वो ज़मीन में उतर के उसके रूट जोन में लग गया और ये इफ़ेक्ट हो गया है। तो कभी भी किसान भाइयों, आप वीडिसाइड का स्प्रे करो तो तुरंत पानी मत चालू करो, और वीडिसाइड का स्प्रे करो तो कौन सी केल में आप यूज़ कर सकते हैं उसका अध्ययन करके फिर बाद में ही ऐसा स्प्रे लगाओ, क्योंकि ये ग्लाइफोसेट का स्प्रे लगाया था। तो ग्लाइफोसेट आप खेत में यूज़ मत करो, उसके लिए आता है स्वीप पावर, वो यूज़ करो, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है। जो पत्ते पे लगता है वही पत्ता जलता है, फिर बाद में नया पत्ता तो फ्रेश ही आता है। ये जो ग्लाइफोसेट रहता है वो उसके सिस्टम में पूरा उतर जाता है, तो उसकी वजह से ये पौधे को दिक्कत करता है, और ज़्यादा लग जाती है तो फिर पौधा मर ही जाता है। तो खेत में दवाई लगाते समय आप इतना ध्यान रखो कि दवा लगाने के बाद तुरंत पानी नहीं चालू करना है, उसको दूसरे या तीसरे दिन पानी चालू करो, तो जो रूट में दवाई चली जाती है और ये इफ़ेक्ट हो जाता है पौधे को वो ना हो। जो पौधा बड़ा रहता है तभी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती है, पर इफ़ेक्ट तो रूट में होती ही है। तो उसके लिए आप दवाई जब भी लगाओ बड़ी केल में भी, तो आप लगाने के दूसरे दिन बाद ड्रिप में 4 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 10 kg यूरिया वो छोड़ दो, तो उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा आपके रूट जोन को, और पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी।